नमस्कार, मैं उप्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। इस बार डॉक्टर पर नहीं होगी चुनाव कराने की जिम्मेदारी। बिहार में डॉक्टरों को इस बार विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर साहब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं करने वाले हैं। उन्हें अपने पेशे से अलग हटकर दूसरे काम में नहीं लगाया जाएगा। इस बार चुनाव में आयोग ने डॉक्टर के लिए अलग भूमिका तय कर दी है। किसी को मतदान कराने या शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इस बार नहीं सौंपी जाएगी। डॉक्टरों के जिम्मे COVID-19 को लेकर आयोग द्वारा तय गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का काम किया जाएगा। रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग और बूथों पर पीपीई किट के साथ मास्क की व्यवस्था पर डॉक्टरों की नजर अब रहेगी। इसके साथ ही चुनाव के दिन भी सरकारी अस्पताल में COVID-19 मरीजों की जांच पहले की तरह होती रहेगी। पटना में 97 केंद्रों पर आयोजित होगी यूपीएससी की परीक्षा। 4 अक्टूबर को होने वाली यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा को 97 केंद्रों पर आयोजित करवाया जाएगा। आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा भी की है। परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रखने के लिए पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी करवा दी गई है। मजिस्ट्रेट और क्रेन अधीक्षकों को सिटिंग प्लान, विधि व्यवस्था, COVID-19 प्रोटोकॉल, जामर अधिष्ठापन, पेयजल और पंखे की समुचित व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था के बारे में आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में करवाया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, वहीं दूसरी पाली 2:30 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ करने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले हॉल की परीक्षा केंद्र में पहुंचने की बात कही गई है। सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही पहले चरण के चुनाव को ध्यान में रखते हुए रालोसपा दल को बड़ी सफलता मिली है, जिसके तहत रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा द्वारा बसपा संघ मिलकर बनाए गए मोर्चे पर सीट बंटवारे पर आपसी सहमति बना ली गई है। बसपा बिहार में लगभग 90 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बाकी 153 सीटों पर रालोसपा को दे दी जाएगी। इसमें से उन जनवादी पार्टी, सोशल, इसके अलावा गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी समायोजित करना होगा। अभी गठबंधन में कोई अन्य छोटे दलों को भी शामिल होने की संभावना जताई गई है। जानकारों की माने तो ओवैसी की पार्टी से भी बातचीत चल रही है। अपने नए गठबंधन के रालोसपा और बसपा ने कुछ नाम भले ही दिया हो, लेकिन सीट बंटवारे के मामले में वो दूसरों से आगे निकलते हुए देखे जा रहे हैं। बिहार में बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से होगी शुरू। बिहार में बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। हालांकि पहले यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुक्रवार से आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को 7 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। सीईटी बीएड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बयान देते हुए बताया है कि 7 अक्टूबर तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ साथ छात्र चॉइस फिलिंग भी कर सकेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए छात्रों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। कॉलेज मेरिट और आरक्षण के आधार पर रैंडमली सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयन किया जाएगा। छात्रों को ऑफर लेटर ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा। गंडक ब्रिज की मरम्मत शुरू हुई आज से। NH-28A के डुमरिया घाट पुल ब्लैक टॉप मरम्मत का कार्य आज से शुरू करवा दिया गया है, जो कि सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इसमें अभियंताओं के साथ लगभग 200 मजदूर 12 घंटे तक काम करेंगे। कार्य में मिलेंगे मिशन के अलावा 50 हाईवा का प्रयोग भी किया जाएगा। गोपालगंज में बाढ़ का असर होने के कारण हाजीपुर में मटेरियल मंगवाया गया है। NHAI दरभंगा के निदेशक एम के पांडे ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि मरम्मत कार्य शनिवार, रविवार और सोमवार को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए मशीन के अलावा मिलिंग मशीन, 3 रोलर और 50 हाईवा का प्रयोग किया भी जाएगा। मटेरियल मिक्सिंग का काम शुक्रवार देर रात से शुरू करवा दिया गया था, ताकि शनिवार की सुबह 10 बजे से रोड पर आवागमन बंद होने के साथ निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इसके लिए कार्य का शेड्यूल भी तैयार कर दिया गया है। पटना के 64 जगह पर होगी चुनावी सभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान के बाद अब सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। पटना के 64 जगह पर चुनावी सभाओं का आयोजन करवाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 64 जगह पर चुनावी सभा करने की अनुमति दे दी है। खबर के मुताबिक बांदीपुर विधानसभा में 16 जगहों पर चुनावी सभा करने की इजाजत दे दी गई है। फिलहाल अभी तक राजनीतिक दलों ने चुनावी सभा के लिए हॉल बुकिंग के लिए आवेदन नहीं किया है। मोकामा में 3 बार से 3, बख्तियारपुर में और साथ ही 6 दीघा में और 6 बांकीपुर में 16, डुमरार में 3, पटना साहिब में 5, फतवा में 4, दानापुर में 3, मरेर में 4, फुलवारी शरीफ में 2, मसौढ़ी में 2, पालीगंज में 4 और विक्रम में 2 मैदान में सभाओं की अनुमति दे दी गई है। वहीं निर्धारित सभा का आयोजन करवाने के लिए भवनों का भी चयन कई जगहों पर किया जा चुका है। आज पटना समेत सूबे के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। आज राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के अन्य हिस्सों में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में एक बार फिर से बारिश के आसार
लगातार देखने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से पटना समेत पूरे बिहार में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पटना में बादल मंडराने लगे हैं, जिसकी वजह से आज राजधानी समेत अन्य जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल खाड़ी में फिर से कम दबाव का क्षेत्र बनते देखा गया है, जिससे राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बारिश देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि मॉनसून की अंतिम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग पहले इसका अनुमान जता चुकी है। शिक्षकों से आशीर्वाद लेकर नवल किशोर यादव ने दाखिल किया अपना नामांकन। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार विधान परिषद की 4 शिक्षकों और 4 स्नातक सीटों के लिए नामांकन का काम जारी है। 5 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जाँच की जाएगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। परिषद की 8 सीटों पर 22 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वोटिंग की गिनती विधानसभा चुनाव के नतीजों के आने के 2 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को की जाएगी। विधान परिषद की पटना स्नातक और साथ ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर सबकी नजर रहती है। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रोफेसर नवल किशोर यादव लगातार 4 बार से चुनाव जीत चुके हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नवल किशोर यादव एक बार फिर से नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी को एक बार फिर से सबने जीत का आशीर्वाद दिया है। दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव वापस लौटे पटना। बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, बीते दिन यह दोनों नेता पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, मगर आज विशेष विमान से यह लोग पटना पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक हो सकती है। पटना के नेता फिर से पटना पहुंचे हैं तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात की भी संभावना जताई गई है। पटना पहुंचने के बाद यह दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास होते हुए गोला रोड के लिए रवाना होंगे। जदयू भाजपा लोजपा सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस हालांकि अभी भी बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस भूपेंद्र यादव की तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर हालांकि कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं उनकी मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री आवास पर जदयू सांसद ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं। कोसी बागमती गंडक सहित उत्तर बिहार की अधिकांश नदियां लाल निशान के ऊपर। बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई जिले में बाढ़ ने फिर से परेशानी बढ़ा दी है। बेतिया शेखपुरा गोपालगंज सहित कई जिलों में बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी गंडक बागमती महानंदा सहित तो उत्तर बिहार के अधिकांश नदियों का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बह रहा है। साझा की गई जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर साहिबगंज से लाल निशान के 58 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं कहलगांव में 18 सेंटीमीटर और फरक्का में भी लाल निशान से 13 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में लाल निशान से नीचे नजर आया है। घाघरा नदी का जलस्तर घरौली में लाल निशान से नीचे दर्ज किया गया है। गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट से लाल निशान में 13 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर रोसरा में लाल निशान से 147 सेंटीमीटर ऊपर है। बागमती नदी का जलस्तर डिंग ब्रिज से लाल निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे, जबकि रुन्नी सैदपुर में लाल निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर है और बेनीबाद में भी 70 सेंटीमीटर ऊपर है। नेपाल सीमा क्षेत्र के दोहरी नागरिकता वाले वोटर नहीं कर पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नेपाल सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में दोहरी नागरिकता रखने वाले वोटर मतदान नहीं कर पाएंगे। इसका कारण दोनों देश के बीच बढ़ी तल्खी और सीमा पर बढ़ती जा रही अतिरिक्त सतर्कता को बताया गया है। नेपाल पुलिस से मिल रहे संकेतों के अनुसार इस बार विधानसभा चुनाव के दिन किसी भी व्यक्ति को भारत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस कारण नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकता रखने वाले लोगों को चुनाव में वोट डालना संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, सीमा पार नेपाल में बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं और अन्य भारतीय हैं जिनकी खेती और अन्य काम जो है वो कारोबार दोनों देश में चलता है। ऐसे लोगों के पास दोनों देश की नागरिकता होती है और अब तक ये चुनाव में वोट डालते आए हैं। खासकर अररिया जिले की सीमा से सटे नरपतगंज फारबिसगंज एवं सिकटी विधानसभा क्षेत्र में दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे, मगर इस बार दोनों देश के बीच तल्खी के कारण ऐसा नहीं हो पाएगा। आज से शुरू होगा टीवी पर जबरदस्त रियलिटी शो बिग बॉस। सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और आसिम रियाज के चर्चे अभी भी लगातार सुनने में आ जाते हैं। इसी के बीच बिग बॉस का 4th सीजन भी शुरू होने वाला है। बिग बॉस 14 का प्रीमियम आज रात 9 बजे किया जाएगा। कलर्स पर इसका पहला एपिसोड प्रसारित होगा। कलर्स के अलावा दर्शक इसे वूट और जियो टीवी पर भी इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। आपको बता दें, शो का प्रसारण शनिवार रविवार रात 9 बजे होगा। वहीं बाकी दिनों में यानी सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रसारित होगा। बिग बॉस के सीजन में एक बार फिर से सलमान खान का जलवा देखने को मिलेगा। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से वो इस शो के होस्ट बन गए हैं। बिग बॉस के लिए सलमान खान जिस घर में रुके हैं उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। उनका घर काफी शानदार और कलरफुल नजर आ रहा है। आज आईपीएल के 13वें संस्करण में आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स और RCB। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने राजस्थान रॉयल्स और RCB टकराने वाले हैं। जहां विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले मैच में जीत हासिल की थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। हालांकि पहला मैच बिना लाइट के ही खेला जाएगा। दोपहर में होने वाले इस मैच की चुनौतियां भी अलग होने वाली है। दोनों टीम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं दोनों टीम एक दूसरे का सामना करते हुए जीत के इरादे से मैदान में उतरने को तैयार है। व्हाट्सएप यूजर के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे कमाल के फीचर्स। व्हाट्सएप यूजर को जल्द ही कई नए फीचर्स मिलने वाले हैं। व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉयड बीटा वर्जन पर टेस्टिंग के लिए ऑलवेज म्यूट, नया स्टोरेज, यूजर UI और मीडिया
गाइडलाइन सहित कई फीचर रोल आउट कर दिया है। यह फीचर व्हाट्सएप बीटा वर्जन पर जारी किया। टेस्टिंग में अगर यह सफल रहती है तो जल्द ही इसे यूजर के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आपको बता दें व्हाट्सएप के नए फीचर को बीटा यूजर के लिए रोल आउट किया जाता है, जिसके बाद इसे अन्य फोन के लिए रोल किया जाता है। इस फीचर के जरिए व्हाट्सएप यूजर किसी चैट को हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं। यह नया फीचर ग्रुप और इंडिविजुअल चैट दोनों के लिए काम आएगा। आपको बता दें ऑलवेज म्यूट पूरी तरह नया फीचर नहीं बल्कि पहले से मिलने वाले म्यूट फीचर में अतिरिक्त सुविधा है। अभी उसी को अधिकतम 1 साल तक के लिए म्यूट कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट बीटा अपडेट के तहत आप इसे ऑलवेज ऑप्शन में मिलेगा। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 64 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 79,476 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 64,73,554 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,069 लोगों की जान जा चुकी है और अब तक कुल मिलाकर 54,27,706 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 1,08,042 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक कुल मिलाकर 9,44,996 मरीज सक्रिय हैं और रिकवरी दर की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के साथ 83.84% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 7.01% पर पहुंच गई है। 2 अक्टूबर को 11,32,675 कोविड-19 सैंपल जांच किए जा चुके हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 7,78,50,403 सैंपल की जांच की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार नेपाल सीमा क्षेत्र के दोहरी नागरिकता रखने वाले नागरिकों को बिहार विधानसभा चुनाव से वंचित रखने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।